और नाउन के बारे में कुछ चीजें हम मैंने बताई थी। और आज जो अब आजकल जो ट्रेंड हो गया है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, एसएससी में, पीओ में, बैंकिंग में, अभी मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चंस का लेवल काफी हाई कर रहा है और क्वेश्चंस को काफी ट्विस्ट करके दे रहा है, जहां पर आपको थोड़ा एप्टीट्यूड भी लगाना होगा। नाउन्स के बारे में कुछ बातें मैंने अननोन बताई थी लास्ट हमारे वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखा होगा। आज के वीडियो में बात हो रही है कि कभी कभी एक नाउन में एक रूल है कि आफ्टर द नेम ऑफ द कंट्री वी शुड यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये बात सच है कि देश का नाम अगर आता है तो देश के नाम के बाद हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, राइट, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अगर मैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री बोलता हूँ तो यहाँ पर मैंने इंडिया के साथ इज लगाया है और इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं लाया है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में, कोई भी प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आता है। द इंडिया हम नहीं कह सकते हैं, कंट्री के नाम के पहले द नहीं आता, ये रूल है। तो द इंडिया हम नहीं कह सकते, हम इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री कहा और इंडिया के साथ इज लगाया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसी रूल को थोड़ा एडवांस फॉर्म में दे रहा है। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें नाउन बहुत विस्तार से नहीं पता होता है, या वैसे स्टूडेंट जिन्हें नाउन बहुत डिटेल पता नहीं होता है, वो शायद इस सेंटेंस को ये कह दे कि ये गलत है, क्योंकि इंडिया के साथ यहाँ पर हैव लगा हुआ है, वो एक झटके से इंडिया को देख करके हैव देखेंगे, कहेंगे ये गलत है। देखिए नाउन का रूल है कि जब किसी कंट्री का नाम किसी टीम को दर्शाता है, कम ऑन, टीम को दर्शाता, बात बहुत बड़ी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन का मतलब ही, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो गलत हो जाओगे। इंडिया हैव वन द मैच, ओके, अगर मैंने द इंडिया हैव वन द मैच कहा तो ये सेंटेंस अपने जगह पे सही है, क्योंकि एक रूल है कि जब देश का नाम, नाउन का रूल है कि जब देश का नाम किसी टीम को दर्शाता, व्हेन द नेम ऑफ द कंट्री इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द टीम, कोई भी टीम हो, खेल का टीम हो, गेम की टीम हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, नो इशू, सिर्फ टीम को दर्शाना होता है, तो उस कंट्री के नाम के पहले फिर हमें आर्टिकल जोड़ना चाहिए, पॉइंट नंबर वन, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब पुलर लगाना चाहिए। आजकल ट्रेंड हो रहा है कि ये क्वेश्चन उठा के दे देता है एग्जामिनेशन में और लोग कंफ्यूज करके नो एरर चले जाते हैं या एरर नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर इनके साथ पुलर है तो नो एरर होगा, और अगर इंडिया हैज कर दिया यहाँ पर तो ये गलत है, हैज नहीं होगा, यहाँ पर हैव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है ये कंट्री नहीं, बल्कि यहाँ पर इंडिया टीम बन के आया है, इंडिया ने मैच जीता है। मैच कौन जीतेगा? इंडिया टीम जीतेगा, ना कि पूरा देश जीतेगा। तो यहाँ पर इंडिया एज, नो डाउट इंडिया देश का नाम है, लेकिन पहली नजर में ये टीम बन के आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर टीम बन के आया है तो टीम के नाम के साथ फिर पुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसीलिए इंडिया हैव होगा, इंडिया हैज नहीं होगा। तो आप ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा कि अगर एग्जामिनेशन में ऑस्ट्रेलिया दे देता है, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया दे देता है, ऑस्ट्रेलिया अगर एज ए कंट्री आया तब तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हैज होगा, लेकिन अगर एज ए टीम आया तो ऑस्ट्रेलिया हैव होगा, कम ऑन, ऑस्ट्रेलिया हैज होगा या ऑस्ट्रेलिया आर होगा। आजकल ऑस्ट्रेलिया को शॉर्ट में ओजेड कहा जाता है, कभी सोचा आपने ऑस्ट्रेलिया को ओजेड क्यों कहा जाता है? व्हाई द ओजेड इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया को शॉर्ट में ऑस्ट्रेलियंस लोग पढ़ते हैं आउजी, क्या पढ़ते हैं? आउजी, आप देखा होगा कभी कभी द टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइन में आउजी लिखा होता है, राइट? बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ओजेड शॉर्ट में क्यों बोलते हैं। तो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑजी, एंड द ऑस्ट्रेलियन व्हेन राइट दे ऑजी देन दे राइट लाइक दैट, बिकॉज वहां तो हिंदी होता नहीं है तो आकार तो नहीं करेगा वो, तो वो जब ऑजी लिखता है तो वो ऐसे लिखता है, और ऑजी का शॉर्ट निकालता है ओजेड। तो ये आपने देखा आज कि भैया ऑस्ट्रेलिया को ओजेड क्यों कहते हैं, आज ही अपने दोस्तों से पूछना कि ऑस्ट्रेलिया को ओजेड क्यों कहा जाता है, शायद ही बता पाए कि ऑस्ट्रेलिया को ओजेड क्यों कहा जाता है। बट तो मैं बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया हैव होगा जब टीम का नाम होगा, और ऑस्ट्रेलिया हैज होगा जब कंट्री का नाम होगा। वेल, तो ये एक रूल हुआ, और दूसरा रूल कभी कभी सब्जेक्टिव वॉइस में आता है, रूल ये भी है कि जब सब्जेक्ट का नाम हो तो ये सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर नाउन है, कम ऑन, ध्यान देना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है सिंगुलर नाउन होगा। मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथ्स एक भारी सब्जेक्ट है, मैंने अगर ये एग्जाम्पल लिखा तो ये एग्जाम्पल अपने जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथ्स के साथ इज होता है, ये सही है, सब्जेक्ट का नाम इज लेगा। लेकिन नीचे में द मैथ्स ऑफ केसेस इन आर गुड कर दिया मैंने, कभी सोचा है मैथ्स के साथ आर कैसे हो गया? क्योंकि when when the demerits and merits are shown with the help of subject, the subject name become plural. Oh my God, come on.
फिर से ध्यान दीजिएगा, जब किसी सब्जेक्ट की सहायता से हम किसी की मेरिट और डिमेरिट को बताते हैं तो वो सब्जेक्ट का नाम प्लुरल बन जाता है, राइट, वो सब्जेक्ट का नाम प्लुरल बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महीन चीज है कि सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मैथ्स है, और मैंने कहा केसी सिन्हा का मैथ अच्छा है, मैंने तारीफ किया, किसकी तारीफ की, केसी सिन्हा की, मैंने ये नहीं कहा केसी सिन्हा गोरा है, केसी सिन्हा काला है, केसी सिन्हा मोटा है, केसी सिन्हा लंबा, मैंने कोई और चीज की तारीफ नहीं की, मैंने मैथ सब्जेक्ट को केसी सिन्हा का मेरिट शो कर दिया और ये कहा कि केसी सिन्हा का जो मैथ है वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम केसी सिन्हा की तारीफ कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के हेल्प से, सब्जेक्ट के हेल्प से जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जब हम किसी की डिमेरिट्स को बताते हैं, तो वो सब्जेक्ट का नाम प्लुरल हो जाता है, एंड वी हैव टू राइट विद द प्लुरल वर्ब ऑलवेज। इसलिए द मैथ्स ऑफ द केसी सिन्हा आर गुड होगा, और यहां पर दा भी लगेगा। यहां पे ये क्वेश्चन आप जब अपना सेट बनाएंगे एसएससी में, पीओ में, बैंकिंग में, आप सेट बनाएं, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस ट्रेंड से दिया हुआ है। द मैथ्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड इज द राइट आंसर, इसलिए यहां पर इज नहीं हो सकता है, अगर कोई इज लगाता है तो वो गलत है। तो दोस्तों आज की बात यहीं तक होगी, आगे फिर हम लोग कुछ नई बातें, चुलबुली बातें लेकर आएंगे नाउन से, अभी सीरीज आता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।